हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एज़ यू कैन सी कि मैं तैयार हो गई हूँ और थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ और क्लिनिक जा रही हूँ, तो मैंने कहा आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। टुडे इट इज़ मंडे और काम के लिए जाती हूँ और फिर वापस आकर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तो स्टे विद मी। रानी मैं जा रही हूँ। ओके, तो बैंगन होगा आकर कर लेंगे, कीमा बना लेना। ठीक है भाई। ठीक है, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चले चले भाई, लेट हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी चाय। चाहे अच्छी बनी है। चाहे के होते एक्साइटमेंट में है तो अच्छी। थैंक यू, वेलकम। हाय हाय हाय, थक गए हैं। रश था थोड़ा, उफ, और थका गर्मी है, चाय गर्म उतारने के लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारे इस बच्चे ने चाय अच्छी बनानी शुरू कर दी है। थैंक यू, नजर मत आ। चलो हम बड़ों के पाँव छू लेकिन चाय अच्छी है और सारा काम शाम खत्म करने के बाद जो मजा इस चाय का आता है ना, सुकून मिल जाता है। केक, गायनी का क्लिनिक हो जहाँ खुशखबरियाँ आती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो केक भी आते ही रहते हैं। वैसे मज़े का लग रहा है। ये मैं आ गई हूँ घर वापस, साफ सुथरा हुआ हुआ घर। ओ बिल्लियाँ, बंद कर, चीजें रेडी करो, मैं भरता बना दूँ। हाँ रानी, चीजें चीजें रेडी करें, मैं आकर बना दूँ फटाफट। ड्यूक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट सीधे कर रहा हूँ वो। हाउ वाज योर डे? अच्छा था। थोड़ा सा हमने डाला इसमें ऑयल। गया तो मैंने इसमें वेरी इजी। इससे पहले हमने बैंगन बॉईल करके उसके ऊपर से स्किन उतार के और उसको मैश करके रखा हुआ, जो कि ये है।
साथ ही हम ये डाल देंगे इसमें। और ये अब हम करने लगे हैं इसको डिश आउट, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे जैतून का तेल। दिखाओ, और ये गया इसके अंदर जैतून का तेल। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने मिनटों में बैंगन का भरता बना दिया है, और खाना खाने में अभी टाइम लगने में अभी टाइम है, तो मैं उतनी देर तक क्विकली होके आती हूँ जिम से। Don't go anywhere, stay with me. अंजुम, अंजुम आओ, ये देखो ये आई हुई है तुम्हारा केक क्लिनिक से जो लाई थी, और साथ ही मिठाई। ये मिठाई कौन सी है मुझे पता नहीं लगा, ये बड़ा अच्छा वो दे गए थे रात को। मैं बना रही थी बैंगन का भरता, बड़ा अच्छा बना। अच्छा। ये मिठाई ये आमना की फ्रेंड की है। ये देखो ना कितना खूबसूरत इन्होंने डब्बा, और ये अच्छा आमना की फ्रेंड का क्या बेटी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। और केक तो फिर आपको पता ही है, क्लिनिक में जब भी कोई गुड न्यूज होती है तो आ जाता है। मैं तो जिम जाने लगी थी, फिर अब ये तो ये पढ़ा था मैंने कहा जिम के लिए तुमने अभी ड्रेस चेंज करना है, मैंने तो वॉक के लिए चेंज भी कर लिया था। तो वैसे हाउ वाज द डे? मेरा बहुत हेक्टिक, मंडे हेक्टिक होता है, काफी पेशेंट्स थे, बहुत थकी हूँ। तो इतनी ज्यादा हेक्टिक जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है? मैंने तो तुम्हें कई दफा कहा है कि अभी छोड़ो, जस्ट लिव इट। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। आई नो कि जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे शुरू से अर्न करने का शौक है। मैं शुरू से पैसे कमाने का, थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट मनी के तौर पर जरूरत, ठीक है, यानी कि मैं मुझे शौक है। जब मैं छोटी सी थी ना, तो आई रिमेम्बर मुजीब के गर्मियों की छुट्टियों में मैंने लाइब्रेरी बना देनी करनी। एग्जैक्टली, अम्मी अब्बू ने अखबार वाले से स्टोरी बुक्स हमें लगवा के देनी थी, जैसे तालीम तरबियत हो गया, या नौ निहाल लेकर आता था रसाला, बच्चों का डाइजेस्ट आता था, फिर एक इमरान डाइजेस्ट आता था जिसमें वो जासूसी कहानियां होती थी। टार्जन की मेरे पास बहुत सारी सीरीज थी, टार्जन वाली स्टोरीज की, तो हम ना, और आर्ची कॉमिक्स वगैरह भी मैंने रखे हुए थे, तो हम उसकी ना एक लाइब्रेरी बना देते थे और सारे बच्चों को बता देते थे कि जी आई एम दी हेड ऑफ लाइब्रेरी, और थोड़े से पैसे उनसे लेके उनको दो हफ्तों के लिए या एक हफ्ते के लिए वो दे देनी, और इस तरह से ना हम हमारी पॉकेट मनी हो जाती थी, और वो जाहिर है इन रिटर्न वो बच्चे भी कुछ ना कुछ करते थे। मैं एग्जैक्टली आई शुड डू द सेम। मैंने तो कहा था हाँ, अपने कमरे में रैक्स के ऊपर जनाब ये किताबें मैं रखता था, यही वाली। अच्छा। वही किताबें जो कि मैं पर मंथ या वीकली आती थी। हाँ। वो भी रख के अपनी बहन भाइयों को जाना, मैं I remember 10 पैसास पे देते, they used to give me 10 पैसा, और वो भी पॉकेट मनी से। अच्छा मुझे याद आ गया एक और बड़ी मजेदार चीज। हम सारी बहन भाइयों की गेम थी, गेम क्या थी कि एक टाइम फिक्स होता था कि 10 मिनट्स और 20 मिनट्स और 5 मिनट्स व्हाटएवर इट इज, चॉकलेट खानी
बाहर जाके सड़क हमारे साथ ही थी, अंदर हमने बाउंड्री वॉल खड़े हो जाना, वो 10 मिनट अभी तुम्हारे हैं, तुम्हारे शुरू हो गए 10 मिनट, यू हैव टू काउंट द कार्स। अच्छा ठीक है ना, या गाड़ियां वट एवर इट इज, वो डिसाइड हो जाता था। अच्छा प्रीफिक्स, जितनी गाड़ियां गई, अगर जिसकी बारी में सबसे ज्यादा गाड़ियां गई वो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। व्हाट अ गेम। बचपन की बड़ी मजेदार चीजें हैं। तो अभी आपने कितने चक्कर लगाने हैं वॉक के? मैं 7 लगाता हूं। और वो जो आज हमारा फॉर्म वगैरह का काम था हज का, याद आ गया मुझे फॉर्म, आज डॉक्टर साहब चले गए थे लेकिन मेरे फॉर्म शॉर्म लेके 2 जगह पर तुमने साइन करने। अच्छा, एक तो ये सिग्नेचर जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइन करना है। अच्छा, और एक ये लो, ये थोड़ी सी मैंने खा ली थी। ओह, आई लव बालूशाही। ये पता बहुत मीठी नहीं होती? हाँ, यस, मैंने खाई हुई है। दिस फॉर यू। सॉरी, हाँ नहीं नहीं, तो बड़ी कैलोरीज है। नहीं, कोई कैलोरीज नहीं है, खुद ही तो कह रही। अच्छा, इससे मुझे ख्याल आया, एक ऐसा खाने की चीज बताएं कि जो खाई भी जाती है और औरतें पहनती भी है। टाइम खत्म। क्या लॉन्ग? ये लो ना केक थोड़ा सा। नहीं, मैंने केक खाया है, मैंने क्लिनिक में ही खा लिया था। मैंने नहीं खाया। आप ले लें, मैं लाई अभी हूँ। आपने कैसे खाना था? तो खा लें। हाँ, अभी बहुत मीठा खा ली। खा लें खा लें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुगर वगैरह या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लाख लाख लाख। असल में शुरू से ही मुझे लगता है कि आपकी भी वो रही है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज वाली लाइफ। और हमारा भी बचपन ऐसा था। बिल्कुल सही। भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, शाम को हम सारे बच्चे साइकिलिंग करते थे। और उसके अलावा जो है वो दीवारों पे चढ़ना, दरख्तों पे चढ़ना, भागना दौड़ना। मतलब आजकल के बच्चे थोड़े से कंप्यूटर्स में और इन चीजों में हैं, मोबाइल में। हमारे जमाने में तो हम अंदर बैठते ही नहीं थे, बल्कि गर्मियों में दोपहर को 2 घंटे जरूरी होता था। अब्बू अम्मी ने कहा हुआ कि भाई रेस्ट करना है, वो भी हम चुपके से स्नीक आउट कर जाते थे और बाहर जाकर सारे बच्चों ने क्रिकेट या, और फिर पसीने आए हुए हैं, बुरा हाल है, फिर आकर शावर लेना शाम को, और फिर जो भी अम्मी ने पकाया हुआ होता था ना उसको हमें, मतलब हमें था कि वो खाना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी होगी, हमारे बचपन के जो मजे के और जो अजीबो गरीब किस्से हैं ना, क्योंकि हमारा बचपन बहुत ही एक भरपूर किस्म का बचपन था। और उसमें हम क्या हरकतें करते थे, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो होगा कल के ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लाइक अब आप लोग कम करते हैं, लाइक करेंगे तो आगे ब्लॉग्स आएंगे, उतनी ही हम इनकरेजमेंट से बनाएंगे। तो टिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आपने कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, मैं जाते जाते ये कहना है कि बातें वगैरह जो मैं करूँगा स्पेशली, जो की बातें वो जो है यू कैन रिपीट, और वो कर सकते हैं बच्चे, लेकिन मेरी बातें जो मैंने जो की हैं वो ना करना, वो बड़ी गलत हरकतें होती थी, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। एक बात तो ये थी कि मुजीब ने कील स्विच में डाल दिया था जिससे करंट लगी थी बड़ी जोर से। स्विच में डाल दिया था मौलवी साहब से, मैं किस तरह भाग के गायब हो जाता था। अभी नहीं, अभी नहीं, ये अब कर लो, ये अब सारी बातें, ये थोड़ा सा ट्रेलर है, तो कल पता लगेगा कि मुजीब ने बचपन में क्या क्या कारनामे किए। और टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।